आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। सर्दियों के दिनों में हम लोग अपने एक्वेरियम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसे एक स्टेबल टेम्परेचर पर फिक्स रखने के लिए ऑटोमेटिक हीटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से वो हीटर जो है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब तक हमें इस चीज़ का पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगर आपने ट्रॉपिकल फिशेज रखी हुई हैं तो वो चिलिंग का शिकार हो जाती हैं और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है, या हो सकता है कि वो वाइट स्पॉट डिसीज का भी शिकार हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में एक टिप दूंगा कि आप बिना देखे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका एक्वेरियम हीटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसटी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक के इन्फो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने एक ऑटोमेटिक हीटर को इंस्टॉल किया ताकि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके, और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जो फिशेस पाल रखी हैं वो बहुत सुस्त हो गई हैं, स्लगिश हो गई हैं, और एक्वेरियम की बेड पर नीचे पड़ी रहती हैं, उनमें मूवमेंट बहुत कम हो गई है, वो फीडिंग कम ले रही हैं, और अगर आपने ट्रॉपिकल फिशेस रखी हैं तो उनको वाइट स्पॉट हो गए हैं, या हो सकता है कि उनमें से कुछ आपको मरी हुई भी मिले। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब आप एक्वेरियम के पानी को हाथ लगाते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके ऑटोमेटिक हीटर ने कब काम करना बंद कर दिया। ऐसा ही होता है ना? जी हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने एक्वेरियम हीटर की इंडिकेटर पे डिपेंड करते हैं। हम लोग हमेशा उस पर ध्यान रखते हैं कि वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, वो प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हीटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका एक्वेरियम हीटर का इंडिकेटर लगातार जल रहा है, वो कट नहीं मार रहा है, तो आपको तो यही इंडिकेशन मिल रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन ये फॉल्स इंडिकेशन है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो उसका एलिमेंट जो है वो खराब हो चुका है और वो हीट नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका थर्मोस्टेट काम कर रहा है, और वो आपको सिर्फ वो इंडिकेटर जला हुआ ही नहीं मिलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके हीटर की जो प्लग है, जो उसका शू है, वो लूज रह जाए और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो वर्किंग नहीं कर रहा है। तो उस वजह से भी इन दोनों कंडीशंस में आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा और उसका खामियाजा जो है आपकी फिशेस को भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपका एक्वेरियम हीटर का इंडिकेटर जो है वो प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल आपको करना क्या है, जब भी आप अपने एक्वेरियम के पास से गुजरें, दिन में एक बार सुबह और दिन में एक बार शाम को, दो टाइम तो कम से कम आप ये काम जरूर करें। जब भी आप उसके पास जाएं, उसके फ्रंट ग्लास को हमेशा अपने हाथ की उल्टी साइड से, ऊपरी साइड से टच करके देखें। अगर आपको उसका ग्लास जो है वो गर्म महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो ठीक चल रहा है, उसमें हीटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ग्लास को अपने हाथ के उल्टे तरफ से, ऊपरी तरफ से टच करने पर ठंडा महसूस हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि आपका हीटर जो है वो काम नहीं कर रहा है और आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो ठंडा है। इससे आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आपके एक्वेरियम में हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उल्टे हाउस से मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमेशा ऊपर की सतह जो होती है हमारी वो ठंडी रहती है, वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। इस वजह से हमें ग्लास के टेम्परेचर का अपने हाथ की ऊपरी सतह पर ज्यादा पता लगता है। अगर आप इसको अपने हथेली से, हाथ की हथेली से छूकर पता करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपके हाथ की हथेली जो होती है ऑलरेडी पहले से गर्म होती है, तो वो आपको हो सकता है कि वो पता ना चले। लेकिन आपके हाथ के ऊपर की सतह जो है, आपके हाथ की उल्टी सतह जो है, ये आपको प्रॉपरली बताएगी कि आपका एक्वेरियम हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको इस टिप से काफी फायदा होगा और आप समय रहते अपने मछलियों की जान बचा सकेंगे और अपने एक्वेरियम के हीटर की स्थिति का पता आपको टाइम से लग जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाया करें क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। और अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, किसी नई टिप के साथ। तब तक जय हिंद।